जैन साथियों, कैसे हैं सभी लोग? गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। तो फटाफट से आ जाइए कमेंट बॉक्स में जो लोग लाइव होते जाएं, क्योंकि आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट, आज का टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट। तो फटाफट से मेरे प्यारे साथियों कमेंट बॉक्स में आ जाइए जो जो लोग लाइव हैं, क्योंकि आज से वास्तव में भारतीय संविधान जो है ये समझ लेना के प्रारंभ होगा, क्योंकि आज हम संविधान के भाग 5 पर हमको पहुंचना है। कोई बफरिंग तो नहीं? मैं ऑडिबल हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताइए अगर मैं ऑडिबल हूँ और आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं बिना किसी रुकावट के, तो मुझे एक बार बताइए। मोनू शर्मा जी, वेरी गुड मॉर्निंग। रुचि श्रीवास्तव, गुड मॉर्निंग। रुचि श्रीवास्तव लोकलेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? ये सब आगे के लिए तुम्हें मिल जाएगा देखने के लिए, चिंता मत कीजिए। जब हम प्रधानमंत्री को पढ़ेंगे ना, तो ये सब आगे के लिए मिल जाएगा। मिस्टर रोहित कुमार बघेल, गुड मॉर्निंग। चलिए, यस यस यस। तो बिना कोई देरी की हो दोस्तों, करते हैं क्लास को प्रारंभ। जैसा कि आपको पता है, हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान को कवर कर रहे हैं। और भारतीय संविधान का आज हमारा लेक्चर नंबर 23। आज हमारी क्लास जो है वो 23वीं है। और जैसा कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के अंतर्गत, जैसा कि आपको अच्छे तरीके से पता है कि हम जो है लास्ट क्लास में जो हम पहुंच चुके थे, वो पहुंच चुके थे संविधान के भाग 4 के ए पर, उसमें आर्टिकल 51 के ए को हम कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने अपने मौलिक कर्तव्यों को पढ़ा था। और जैसा कि आप आज अच्छे तरीके से जानते हैं कि आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो संविधान का भाग 5 स्टार्ट करेंगे, पार्ट 5। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर हम बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पार्ट 5 ही संविधान का एक ऐसा पार्ट है जिससे सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक और बात और मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग लाइव है ना, वो लाइव ही रहना एंड तक। अगर कहीं पर मिस कर दिया तो समझ लेना बहुत कुछ खो बैठोगे। जिसको अगर लेफ्ट होना है तो वो अभी लेफ्ट हो जाए, अगर वो बीच से लेफ्ट होगा तो उसको दर्द सताएगा, ये समझ लेना। अगर किसी को लेफ्ट होना है तो वो अभी हो जाओ। बाद बाकी मैं आपको बता दूं कि संविधान का पार्ट 5 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा पार्ट है, और एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि आप लोगों को नोटबुक बना करके साथ में चलना चाहिए, और जिसने अब तक नहीं बनाई हो उसके लिए मैं बता रहा हूं कि वो यहीं से अपना नोटबुक बनाना स्टार्ट कर दे। जो कोई भी नया है, जो भी चैनल से आकर के जुड़ा है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं एक तरीके से आपके भविष्य के बारे में बात कर रहा हूं कि अगर आपको वास्तविक पढ़ाई चाहिए, जो लोग नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटा भी बजा लें, जिससे प्रत्येक नोटिफिकेशन
मिल सके। सुबोध कुमार दास जी वेरी गुड मॉर्निंग, हीरा सिंह जी गुड मॉर्निंग। तो मेरे प्यारे मित्रों, सब अपना नोटबुक बना करके अपनी लैंग्वेज में बहुत ही अच्छे तरीके से नोट करते हुए क्लास को चलेंगे। अब तक आपने जो किया वो ठीक है, बर्बल तरीके से आपने जो कुछ भी किया वो ठीक है, बाद बाकी आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ से आगे हम जितना भी पढ़ेंगे संविधान के अंतर्गत वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोग जो है मुझे लगातार कमेंट करके लगातार मुझे परेशान करेंगे कि सर ये इसका मतलब क्या है, लेकिन जिस बात को मैं पढ़ा रहा हूं या जो पॉइंट चल रहा है उसी से रिलेटेड, ये नहीं है कि पार्ट पांच में यूनियन को पढ़ाने के लिए जाऊंगा, संघ को पढ़ाने के लिए जाऊंगा और आप बात करने लगे स्टेट के बारे में, बात करने लगे पार्ट छह के बारे में। मैं जिस सर्किल को लेकर के चल रहा हूं उसी सर्किल के अंतर्गत आप पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप उतने क्वेश्चन जम करके मुझसे पूछ सकते हैं, जम करके पुटअप करेंगे। हालांकि आपको पता है कि मैं कोशिश करता हूं कि किसी भी तरीके की कोई भी कमी न छोड़ी जाए। तो बिना कोई देरी किए हुए प्यारे मित्रों स्टार्ट करते हैं। और ये बात आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि यहां से हम पढ़ेंगे संविधान का पार्ट पांच और संविधान का भाग पांच। अगर बात करते हैं तो आर्टिकल जो हमको पढ़ने हैं इसके अंतर्गत, वो आर्टिकल हमको पढ़ने हैं 52 से लेकर के 151 तक। यानी संविधान के भाग पांच में जो मेंशन किया गया वो आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक मेंशन किया गया है। और यहां पर जो हम पढ़ेंगे संविधान के भाग पांच में वो हम पढ़ेंगे यूनियन के बारे में अर्थात संघ के बारे में। यहां पर हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूनियन के बारे में अर्थात संघ के बारे में। तो हमको पढ़ना ही क्या है यहां पर, यूनियन संघ। और यह बात हम आपको पिछली क्लासों में बता भी चुके हैं कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है और उसी संघ के अंतर्गत हमको आज सारी की सारी बातें करनी है संविधान के भाग पांच में। आखिरकार संघ का मतलब हम पिछली क्लासों में क्लियर कर चुके हैं, लेकिन अब संघ का जो गठन है उसके प्रशासनिक मैटर, उसके विधि के मैटर, उसके न्यायिक मैटर, इन सभी पर हमको चर्चा करनी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पार्ट को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसका ब्लूप्रिंट बना करके तैयार करेंगे। और ब्लूप्रिंट बना करके तैयार करने का मतलब है कि आखिरकार हमको इसमें पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि ये बात आपको अच्छे तरीके से पता भी चल रही होगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते समय कि आप आर्टिकल को जिंदगी में कभी रट नहीं सकते हैं, लेकिन आप केवल और केवल आर्टिकलों को एक ही तरीके से याद कर सकते हैं। और वो तरीका ये है कि जैसे हमने पढ़े अपने फंडामेंटल राइट्स, अब मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा, और जिसमें हमने साफ लिखा था कि मौलिक अधिकार जो मेंशन किए गए हैं भारतीय संविधान में वो आर्टिकल 12 से 35 तक। तो जब कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको केवल ये देखना है कि आखिरकार मौलिक अधिकार से संबंधित है या नहीं। तो मौलिक अधिकार से संबंधित है तो इसका मतलब ये हुआ कि वह जो क्वेश्चन है अगर मौलिक अधिकार से संबंधित है तो वो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में आएगा। तो उसमें आपको वहां पर सुविधा मिल जाती है कि आप सोच करके आसानी से टिक कर सकते हैं। इसके बाद में आपको पता है कि जैसे ही हम आगे के लिए बढ़े संविधान का भाग चार हमने कवर किया तो आर्टिकल 36 से लेकर के जिसमें हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ा, जिसमें आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक के लिए मेंशन किया गया। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ये आसानी से समझ सकते हैं कि आर्टिकल 36 से लेकर के 51 में ही इंक्लूड है, इससे बाहर नहीं है। इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में हमने पढ़ा। ठीक इसी तरीके से अगर हम यूनियन के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, संघ के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो हम आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक पढ़ेंगे। तो संघ से रिलेटिव अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका मतलब होगा कि वह आर्टिकल 52 से 151 के बीच का होगा। तो यही तुम्हारे पास एक सीक्वेंस होता है जिससे आप अच्छे तरीके से बड़े खूबसूरत तरीके से आर्टिकलों को अपने ध्यान में रख सकते हैं। अर्थात ये बात आप जानते हैं कि आर्टिकलों की संख्या 395 प्लस हो चुकी है, आप सभी को नहीं रट सकते हैं। रट लेते हैं अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेन मेन आर्टिकल्स को अगर आप रट लेते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, उससे ज्यादा अच्छी कुछ बात हो नहीं सकती है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है आर्टिकल संविधान के याद करने से या ध्यान रखने से ही काम चलेगा एग्जाम में, ऐसा तो है नहीं कि बिना ध्यान रखे हुए याद किए हुए आपका काम चल जाए। तो बस मेरा यही कहना है। तो सबसे पहले आज सबसे पहला काम जो है मेरा वो संविधान के भाग पांच में वो इसका ब्लूप्रिंट बना करके तैयार करना,
और वो आपके बिल्कुल यूनियन संघ के सबसे पहले पृष्ठ पर आपकी नोटबुक पर नोट होना चाहिए कि आखिरकार हमको कहां से कहां तक संविधान के भाग पांच में किस आर्टिकल को कहां से कहां तक किसके अंतर्गत हमको पढ़ना है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि प्यारे मित्रों, ये जो हम पार्ट पांच में जो संघ की बात कर रहे हैं, तो जब हम पार्ट छह में जाएंगे तो वहां पर स्टेट की बात करेंगे, राज्य की बात करेंगे। तो ये बात मैं आपको बता दूं, चाहे संघ हो चाहे राज्य हो, भारत राज्यों का संघ है, चाहे संघ हो चाहे राज्य हो, यानी कहने का मतलब ओवरऑल मैं एक वर्ड में आपसे एक बात कह रहा हूं कि हमारे देश के प्रशासन को चलाने के लिए तीन इंडिपेंडेंट बॉडीज की आवश्यकता होती है, तीन स्वतंत्र निकायों की आवश्यकता होती है। और जो तीन स्वतंत्र निकाय होते हैं उन्हीं के अंतर्गत हमारे देश की राजव्यवस्था चलती है, हमारे देश का प्रशासन चलता है। तो सबसे पहली बात आती है कि वो तीन इंडिपेंडेंट बॉडीज कौन सी हैं, वो तीन स्वतंत्र निकाय कौन से हैं जिनके अंतर्गत हमारे देश की राजव्यवस्था, हमारे देश का प्रशासन जो है वो चलता है। तो सबसे पहले तीन इंडिपेंडेंट बॉडीज के बारे में हम बात करेंगे। तीन स्वतंत्र निकायों के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार वो कौन कौन से तीन स्वतंत्र निकाय हैं जिसके अंतर्गत हमारा देश का प्रशासन जो है वो रन करता है, या हमारे देश का प्रशासन जो है इन बॉडीज के अंतर्गत ही चलता है। उन तीन स्वतंत्र निकायों के बारे में डिस्कस हमको जरूर करना है। तो जरा ध्यान से समझेंगे, हमारे देश के प्रशासन को चलाने के लिए तीन स्वतंत्र निकायों की आवश्यकता होती है। और प्यारे मित्रों, वो तीन स्वतंत्र निकाय कौन कौन से हैं, सबसे पहले आप नोट करेंगे, एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है आपका कार्यपालिका, एक एक पॉइंट को क्लियर करके चलूंगा, कोई भी कमी आपके साथ में मैं नहीं छोड़ूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। जो क्लास भी पढ़ाऊंगा उसमें आपके पास में ऑप्शन बचेगा नहीं कि आखिरकार पूछा जाए तो क्या पूछा जाए, बशर्त कि आप धैर्य बनाकर के रखिए, आप संयम बनाकर के रखिए, आपके पास में कोई विकल्प नहीं बचेगा कि आप जो है किसी भी क्वेश्चन को पुटअप करने की हिम्मत भी कर सके, क्योंकि मैं कंटेंट ही इतना लेकर के चल रहा हूं। तो वापस आते हैं, तो तीन इंडिपेंडेंट बॉडीज की आवश्यकता होती है, तीन स्वतंत्र निकाय किसी भी देश के प्रशासन को नहीं, बल्कि हम अपने देश की बात करते हैं, हमारे देश के प्रशासन को चलाने के लिए, हमारे भारत राज्य के प्रशासन को चलाने के लिए तीन इंडिपेंडेंट बॉडीज की आवश्यकता होती है, जिसमें से एक एग्जीक्यूटिव जिसे कार्यपालिका कहते हैं, दूसरी होती है लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर को जिसको कहते हैं विधायिका। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो तीसरी बॉडी जो होती है वो होती है जुडिशरी, जिसको कहते हैं न्यायपालिका। देश का प्रशासन इन तीन बॉडीज के अंतर्गत चलता है। लेकिन बात करते हैं कि आखिरकार एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है, कार्यपालिका का मतलब क्या है। तो कार्यपालिका का मतलब होता है अप्लाई द लॉ, यानी कहने का मतलब विधि को लागू करना। तो इसका जो तात्पर्य होता है मेरे प्यारे मित्रों वो क्या होता है, तो आप यहां पर ध्यान रखेंगे, इसका मतलब क्या होता है तो आप ध्यान रखेंगे, अप्लाई द लॉ अर्थात कहने का मतलब, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इसका कार्य क्या होता है, तो अप्लाई द लॉ यानी कहने का मतलब विधि को लागू करना। इसका जो काम होता है प्यारे मित्रों वो क्या होता है, अरे क्या हुआ, इसका जो काम होता है वो क्या होता है, तो विधि को लागू करना। अगर हम बात करते हैं विधायिका की, लेजिस्लेचर की अगर हम बात करते हैं तो इसका काम होता है टू मेक द लॉ, इसका जो कार्य होता है वो होता है टू मेक द लॉ, अर्थात कहने का मतलब विधि का निर्माण करना। और अगर जुडिशरी की बात करते हैं, न्यायपालिका की अगर हम बात करते हैं, तो न्यायपालिका का जो काम होता है वो होता है टू रिव्यू द लॉ, टू
टू रिव्यू द लॉ, अर्थात कहने का मतलब जो विधि का निर्माण किया गया है और उस विधि को जो लागू किया गया है उसकी समीक्षा करना, अर्थात कहने का मतलब न्याय की समीक्षा करना। तो तीन इंडिपेंडेंट बॉडीज जिसमें से एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका हमारे देश के प्रशासन को चलाती हैं। लेजिस्लेचर का मतलब, विधायिका का मतलब होता है टू मेक द लॉ, विधि का निर्माण करना, कानून बनाना और उस बने हुए कानून को लागू करने का जो काम होता है वो होता है एग्जीक्यूटिव का, कार्यपालिका का, अर्थात विधि को लागू करना। यानी लेजिस्लेचर के द्वारा, विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने का काम जो होता है वो कार्यपालिका का होता है, और उस लागू किए गए कानून का रिव्यू लेना, उसकी समीक्षा करना, वो किसका काम होता है? जुडिशरी का काम होता है, न्यायपालिका का काम होता है। अब हम इसको सर पहले व्यवस्था पे का होता है कि कार्यपालिका, हाँ मतलब एक ही है रुचि श्रीवास्तव जी इसका, ठीक है। अब देखिए कार्यपालिका की अगर हम बात करते हैं तो विधि को लागू करना है, विधि को लागू करना ही एक व्यवस्थापिका ही तो कहलाती है। तो आप इसको छोटे शब्दों में समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये जो जितना भी मैं स्ट्रक्चर आपके सामने बना रहा हूं ना, ये अभी मैं आपके सामने क्या लिख रहा हूं, यूनियन, क्या लिख रहा हूं, यूनियन लिख रहा हूं, संघ लिख रहा हूं। लेकिन जब आगे जब हम पार्ट 6 में पहुंचेंगे ना, तो वहां पर हम पढ़ेंगे स्टेट के बारे में, राज्य के बारे में, तो वहां पर भी ये सब नाम अवेलेबल होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे भारत संघ के अंतर्गत, हमारे राज्य के अंतर्गत जितने भी छोटे से लेकर के बड़े प्रशासनिक काम होते हैं उन सब में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी सब में होता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे जितनी भी लोक अदालतें होती हैं ना, उनमें भी ये तीन इंडिपेंडेंट बॉडीज होती हैं। आप किसी भी स्थिति में चले जाएं जहां पर बात आती है प्रशासन चलाने की, तो प्रशासन चलाने में तीनों हमारे भारत संघ में इंडिपेंडेंट बॉडीज के बिना कभी भी काम नहीं चल सकता है। जैसे जैसे सपोज करिए जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना मैं आपको क्या बता रहा हूं। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, सपोज करिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं इस समय, उन्होंने विधि का निर्माण कर दिया, कोई भी कानून पारित कर दिया। तो कानून पारित कर दिया उन्होंने, तो इसका मतलब वो विधायिका के अंतर्गत आ गए, और उस बनाए गए कानून को लागू करने का जिम्मा किसको दे दिया गया? मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं उन सभी के डीएम को दे दिया गया, तो एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत आ गए। उन कानूनों को लागू करने की अगर बात आती है तो डीएम जो है वो एग्जीक्यूटिव, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत आ गए। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो डीएम ने जो लागू किया है वो विधिवत तरीके से किया है या नहीं किया है, उसकी समीक्षा करना किसका काम होगा? उत्तर प्रदेश के लिए, तो उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट का, उच्च न्यायालय का, तो उसका रिव्यू लेना, उसकी समीक्षा करना जो है वो न्यायपालिका का काम होगा। तो आप इजीली इस बात को समझ चुके होंगे। अर्थात मेरा कहने का मतलब यहां पर यह हुआ कि एक दूसरे शब्दों में मैं थोड़ी देर के लिए कहने लगा कि मेरे पिताजी ने मेरे परिवार में कोई भी एक कानून बना दिया, तो मेरे पिताजी ने अगर मेरे परिवार में कोई भी एक कानून बना दिया तो मेरे पिताजी जो है वो कौन हो गए? लेजिस्लेचर, विधायिका के अंतर्गत आए। लेकिन उनके द्वारा बनाए गए कानून को मैंने अप्लाई कर दिया, अगर मैंने अप्लाई कर दिया तो मैंने उनकी विधि को लागू कर दिया, तो मैं कौन हो गया? मैं एक कार्यपालिका के अंतर्गत आ गया, एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत आ गया। लेकिन उसका रिव्यू लेने के लिए, सपोज करिए कि रिव्यू लेने के लिए मेरे परिवार में से मेरे चाचा जी हैं, सपोज करिए, तो मेरे चाचा जी अगर उसका रिव्यू लेते हैं कि इसने जो विधि को लागू किया है वो विधिवत तरीके से किया है या नहीं किया है, तो मेरे चाचा जी जो है वो कौन, किसके अंतर्गत आ गए? न्यायपालिका के अंतर्गत। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ, एक परिवार से लेकर के, परिवार के प्रशासन को चलाने से लेकर के पूरे भारत संघ के प्रशासन को चलाने तक के लिए इन तीन स्वतंत्र निकायों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। आई होप, हाँ, सबसे पहले विधि बनाया जाएगा। मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले विधायिका को मैं इधर लिख देता, उससे क्या फर्क पड़ता है? सबसे पहले विधि बनेगा, उसके बाद में उस वह लागू होगा, फिर उसके बाद में उसका समीक्षा की जाएगी। तो आपका कहना है कि मुझे ये इधर लिखना था, भाई आपकी सोच से कोई नहीं बच सकता है।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात यहां पर समझ में आपके आई होगी, लेकिन थोड़ा सा इस बात को भी जान लेते हैं कि हमको एग्जीक्यूटिव को जो पढ़ना है वो आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक पढ़ना है। आर्टिकल 52-78 यानी 52-78 आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक हमको ये पढ़ना है। एक सेकंड का समय देंगे। हेलो कौन कौन, अभी मैं थोड़ा लाइव पे हूं, फिर बात करता हूं ना। चलिए भाई, तो आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक पढ़ना है। अगर लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो लेजिस्लेचर को आर्टिकल 79 से लेकर के 123 तक हमको कवर करना है। आर्टिकल 79-123 79 से लेकर के 123 तक हमें इसे कवर करना है। अगर जुडिशरी की हम बात करते हैं न्यायपालिका की, तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 124 से लेकर के 146 तक। तो आर्टिकल 124 से लेकर के 146 तक हमको इसे कवर करना है। क्लियर बात। लेकिन अब बात आती है कि भारत संघ का प्रशासन चलाने के लिए जो एग्जीक्यूटिव का काम होता है, जो कार्यपालिका का जो काम होता है, उसमें कौन कौन लोग इंक्लूड होते हैं, उनकी लिस्ट आप बना करके तैयार करेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहली अगर हम बात करते हैं तो कार्यपालिका का जो हेड होता है, जो अध्यक्ष होता है, वो भारत का प्रेसिडेंट होता है। तो सबसे पहला व्यक्ति जो एग्जीक्यूटिव में इंक्लूड होता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट, भारत का राष्ट्रपति। हिंदी में लिख दूं? अरे यार तुम लोग परेशान करते हो। राष्ट्रपति नंबर दो पर आप ध्यान रखेंगे, वाइस प्रेसिडेंट, अर्थात कहने का मतलब उपराष्ट्रपति। एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, यानी कहने का मतलब संघ का मंत्रिपरिषद, संघ का, देखिए यहां पर हम संघ पढ़ रहे हैं, अभी जब स्टेट पढ़ेंगे तो वहां पर राज्य का मंत्रिपरिषद होगा, यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं? संघ को पढ़ रहे हैं, यूनियन को पढ़ रहे हैं। तो यहां पर जो मंत्रिपरिषद होगा वो किसका होगा? संघ का, संघ का मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। इसके बाद इसमें जो इंक्लूड होगा वो होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अर्थात कहने का मतलब भारत का महान्यायवादी। तो कार्यपालिका के अंतर्गत आने वाले नाम, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर, अर्थात संघ का मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। अब बात करते हैं कि हम प्रेसिडेंट को जो पढ़ेंगे उसकी स्थिति क्या होगी, वो आगे बात करेंगे। लेकिन अब बात आती है यहां पर, अगर हम लेजिस्लेचर की बात करते हैं, विधायिका की बात करते हैं, तो विधायिका में इंक्लूड होने वाले लोगों के बारे में जरा चर्चा कर लीजिए। तो विधि का निर्माण करने का काम संघ के लिए वो होता किसका है? पार्लियामेंट का। किसका होता है? संसद का। यानी कहने का मतलब भारत संघ के लिए जो कानून बनाने का काम होता है वो किसका होता है? पार्लियामेंट का। तो कुल मिलाकर के जितना भी कानून बनता है, विधि का निर्माण होता है संघ के लिए, वो किससे होता है? पार्लियामेंट से होता है, अर्थात संसद से होता है। और यह बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि संसद के तीन अभिन्न अंग होते हैं, जिनमें से सबसे पहले होता है प्रेसिडेंट, अर्थात कहने का मतलब राष्ट्रपति। दूसरा जो होता है वो होता है लोकसभा, और तीसरा जो होता है वो होता है राज्यसभा। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो जो लोकसभा है इसको हम संसद का लोअर हाउस भी कहते हैं।
यानी कहने का मतलब निम्न सदन भी कहते हैं, और अगर राज्यसभा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसे संसद का अपर हाउस भी कहते हैं, यानी कहने का मतलब उच्च सदन भी कहते हैं। अगर बात करते हैं जुडिशरी के बारे में, न्यायपालिका के बारे में, तो न्यायपालिका जो संघ की जो रन करती है वो कहां से करती है, तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट से करती है। यानी सर्वोच्च न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से रन करती है। तो ये सारी बातें हमको पढ़नी है संघ के अंतर्गत। तो फटाफट से मुझे यहां पर आप प्यारे मित्रों कमेंट करके बताइए कि ये सब कुछ उन्होंने ब्लॉक कर रखा होगा, आपको कहना क्या चाह रहे हो? अरे तो देखो रुचि श्रीवास्तव, आप समझने की कोशिश कीजिए सर, पहले विधि बनाया जाएगा तब लागू किया जाएगा, यानी कहने का मतलब विधि इधर लिख दूं मैं, और जब विधि बनाया जाएगा, जब जाकर के कार्यपाल का इधर आएगा, जब उसकी समीक्षा होगी। अरे तुम्हारी सोच कैसी है? अरे मैंने विधायिका को अगर बीच में लिख दिया है तो बता तो रहा हूं विधि का निर्माण करना होता है, इसमें ऐसी कौन सी बात हो गई? एक ही बात है, कहीं भी रख दो। बिल्कुल मोनू शर्मा जी, रुचि श्रीवास्तव जी का कहना है नो, नो नहीं बिल्कुल 100% श्योर, यहां भी लिख सकता हूं, यहां भी लिख सकता हूं, इससे क्या मतभेद है? सर मेरे स्क्रीन पर हीरा सिंह का नेम इज क्यों नहीं आता? कुछ यार तुम आपस में क्या बातें कर रहे हो, जो वास्तव में आपको मेरा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो, जो आपको वास्तव में कमेंट करने हैं ना, जिनकी पूछताछ करनी है, ये बताओ संविधान न्यू, संविधान MW क्या लिखते हो यार? MW राज्य किसे बोला गया है, रिस्टार्ट को या राज्यों को? यार तुम एक तो शुद्ध कमेंट नहीं लिखते हो। चलिए तो सबसे पहले नोट कीजिए, एक सेकंड का मुझे समय दीजिए, मैं अभी वापस आता हूं, आधे मिनट का समय दीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, और यहां तक अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करिए, मैं भी आता हूं। चलिए वेलकम बैक, अरे तो हम कब रुचि श्रीवास्तव जी इस बात को कह रहे हैं कि पहले रूल्स बनेगा उसके बाद लागू होगा, तो आपका कहने का मतलब क्या है, मैं इधर लिख दूं, इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने केवल यहां पर यह लिखा है कि हमारी भारत की राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए 3 इंडिपेंडेंट बॉडीज की आवश्यकता होती है, वो कौन कौन सी है, और जब वो कौन कौन सी है तो ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हो, पहले विधि का निर्माण होगा जब उसको लागू किया जाएगा। तो इसमें मैंने कौन सा गलत लिख दिया, आप इस पर बेफालतू में जोर दे रहे हो, हैं? जो वास्तविक चीजें हैं जोर देने की उन पर आप जोर नहीं दे रहे हो, ठीक है। चलिए इसमें एक और बात और नोट कर लेना आप, कि इसमें ही हम पढ़ेंगे आर्टिकल 148 में कैग के बारे में, आप इसमें एक और बात नोट कर लेना, इसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल 148 में, जिसमें हम पढ़ेंगे कैग के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, कैग, और कैग का मतलब है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको बोला जाता है क्या, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको बोला जाता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है।
यानी कैग के बारे में आर्टिकल 148 में हमको पढ़ना है, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसके बारे में। तो यहां तक उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, आपकी में बिल्कुल क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो मुझे बताइए, क्लियर है यहां तक? हाँ, अगर क्लियर है तो इसमें एक बात और कर लीजिए, आप एक और बात नोट कर लीजिए कि प्रेसिडेंट के बारे में जो हमको पढ़ना है ना, वो आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक पढ़ना है। प्रेसिडेंट के बारे में जो हमको पढ़ना है वो आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक पढ़ना है, ये बात आप नोट करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जो हमको पढ़ना है वो आर्टिकल 63 से लेकर के 71 तक पढ़ना है, 63 से लेकर के आर्टिकल 71 तक हमको पढ़ना है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड पीएम, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये हमको आर्टिकल 74 और 75 में पढ़ना है। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये हमको पढ़ना है आर्टिकल 74 और 75 में पढ़ना है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, जिनके बारे में हम बात करेंगे तो इसको हमको पढ़ना है केवल आर्टिकल 76 में, 76 में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट के बारे में, तो प्रेसिडेंट को हमको पढ़ना है स्पेशली आर्टिकल 52 में, ये मैंने आपको बता दिया ही है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले प्रेसिडेंट ही पढ़ना है। लोकसभा के बारे में अगर हम बात करते हैं, जो कि संसद का अपने आप में एक लोअर हाउस होता है, निम्न सदन होता है, उसके बारे में जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है आर्टिकल 81 में, आर्टिकल 81 में पढ़ना है। और राज्यसभा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल हमको 80 में पढ़ना है, ठीक है, ये ब्लूप्रिंट तैयार कर लेना। और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं, तो आर्टिकल 124 में मेंशन किया गया है, तो इसका ब्लूप्रिंट अगर नोट कर लिया हो, काफी समय मैंने आपको दे दिया है, ठीक है, तो ये बेहद जरूरी है, ये सारी बातें हमको पढ़नी है संघ के अंतर्गत। और जब तक ये ब्लूप्रिंट आपके हाथ में नहीं होगा तब तक आपको ये प्रॉब्लम ही आती रहेंगी। ये बिल्कुल एक तरीके से आपका सीक्वेंस मैंने बना करके तैयार कर दिया है कि आखिरकार हमको पढ़ना क्या क्या है और कहां से कहां तक पढ़ना है। तो फटाफट से मुझे कमेंट करके प्यारे मित्रों बताइए कि यहां तक सब कुछ क्लियर है या नहीं है। अगर क्लियर है तो फटाफट से मुझे एक बार कमेंट कर दीजिए। फिर तो हम धुआं धुआं कर ही देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए क्लियर है, चलिए क्लियर होना चाहिए। एक तो तुम लोग बताते नहीं हो, कमेंट नहीं करते हो, ठीक है। चलिए क्लियर है तो मैं रफ करता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप मत दीजिए रिप्लाई। तो सबसे पहले हमको कवर करना है एग्जीक्यूटिव के बारे में, कार्यपालिका के बारे में। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे एग्जीक्यूटिव के बारे में, कार्यपालिका के बारे में। और कार्यपालिका, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आर्टिकल 52 से लेकर के हमको 78 तक पढ़ना है, आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक हमको कवर करना है कार्यपालिका के बारे में। तो कार्यपालिका के बारे में तो आपको अच्छे तरीके से पता है, ब्लू प्रिंट हमने बना करके। मोनू शर्मा जी, संविधान में राज्य किसे बोला गया है, मैंने आपको कितना डिफाइन किया था कि पार्ट 3 और पार्ट 4 के तहत राज्य की डेफिनेशन क्या थी और पार्ट 6 में हम राज्य की डेफिनेशन क्या पकड़ेंगे। तो मैंने आपको एक पूरी क्लास राज्य की डेफिनेशन देने में दी थी संविधान के अंतर्गत, शायद आप उस समय थे नहीं, ठीक है, तो उन क्लासों को पीछे से देखिए। अब हर क्लास में मैं राज्य की डेफिनेशन ही थोड़ी बताता रहूंगा। तो जब मैंने संविधान का भाग 3 पढ़ाया था, तो भाग 3 की जब शुरुआत की थी तो सबसे पहले राज्य के बारे में एक पूरी क्लास मैंने राज्य की डेफिनेशन के बारे में बताई थी। राज्य की परिभाषा संविधान के अंतर्गत पार्ट 3 और पार्ट 4 के तहत मैंने बताई थी कि राज्य की परिभाषा जो है वो लेजिस्लेटिव डिवीजन से है, विधानमंडल से है। राज्य की परिभाषा जो है वह पार्लियामेंट से है, संसद से है। राज्य की
जो परिभाषा है वो किसी भी सरकारी कर्मचारी से है। मैंने कितनी डेफिनेशन दी थी आपको, और राज्य की परिभाषा संवैधानिक तौर पर पार्ट 3 और पार्ट 4 के तहत जितने भी केस सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जिनको राज्य माना है वो सब राज्य की परिभाषा देते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी, क्लियर। चलिए तो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले हमको पढ़ना है किसको है, तो प्रेसिडेंट को पढ़ना है। तो आप यहां पर हेडिंग डालेंगे प्रेसिडेंट यानी भारत का राष्ट्रपति। तो हमको सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है, प्रेसिडेंट के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, जो आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक हमको क्या करना है, कवर करना है। क्लियर बात, आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक हमको कवर करना है। और सबसे पहले हम डालेंगे संविधान का आर्टिकल 52। तो आर्टिकल 52 को आप डालेंगे और नोट करेंगे। एज पर आर्टिकल 52, पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट जो मेंशन किया गया है आर्टिकल 52 में, वह पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के पद के लिए किया गया है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट यानी कहने का मतलब राष्ट्रपति का पद के बारे में मेंशन किया गया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और भारत का जो राष्ट्रपति होगा इसको जो एडॉप्ट किया गया है वो कहां से किया गया है, तो ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ये यूएसए के संविधान से जो है इसको एडॉप्ट किया गया है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है, जो राष्ट्रपति का पद उठाया गया है, वो यूएसए के संविधान से उठाया गया है। और जब मैंने भारत के संविधान के विदेशी स्रोतों को आपको पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपसे साफ ये सारी बातें आपको नोट करा दी थी। अब बात आती है यहां से कि जैसा कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि पार्लियामेंट की अगर हम बात करते हैं तो संसद को जो उठाया गया है वो कहां से उठाया गया है, तो संसद को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और जब संसद को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है तो ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे संसद के अंतर्गत 2 सदन होते हैं, जिनमें एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। और लोकसभा को हम क्या कहते हैं, लोअर हाउस बोलते हैं, जिसको हम निम्न सदन कहते हैं। और राज्यसभा जो होती है उसको हम अपर हाउस कहते हैं, अर्थात उच्च सदन बोलते हैं, क्योंकि ब्रिटेन के संविधान से पार्लियामेंट को, संसद को लिया गया है। लेकिन उसका रीजन क्या है, हमारे यहां 2 सदन क्यों है, क्योंकि ब्रिटेन की संविधान के अंतर्गत पार्लियामेंट में, ब्रिटेन के पार्लियामेंट की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी 2 सदन है, जिनमें से एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड और एक होता है हाउस ऑफ कॉमन। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट की, तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी 2 सदन होते हैं, जिनमें से एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और जो कि इसका उच्च सदन कहलाता है, समझ रहे हो, उच्च सदन कहलाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और दूसरा होता है हाउस ऑफ कॉमन जिसको हम बोलते हैं ब्रिटेन की संसद का निम्न सदन माना जाता है। क्या माना जाता है, निम्न सदन। और मैंने आपको बता दिया कि भारत की संसद के अंतर्गत हमारे 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं। तो यह बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन आप यहां पर यह बात अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि पार्लियामेंट को, हमारे संविधान में पार्लियामेंट को जो इंक्लूड किया गया है वो ब्रिटेन से किया गया है, ठीक है। लेकिन ये बात आप अच्छे तरीके से समझ लेना कि राष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है। अब ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारा देश जो वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक लोकतांत्रिक देश है, जनता का शासन, जनता के द्वारा, जनता के लोगों पर ही हमारे देश का एक प्रशासन है। तो ये बात यहां पर आप बखूबी समझ सकते हैं कि यूएसए के संविधान से जब पोस्ट प्रेसिडेंट की ली गई और पार्लियामेंट को ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जानते अच्छे तरीके से कि ब्रिटिश के अंतर्गत, ब्रिटेन के अंतर्गत जो है वो क्राउन होती है। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे भारत के अंतर्गत क्राउन का कोई भी रूल नहीं है, क्योंकि इसको यूएसए से उठाया गया है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे जितनी पावर ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटेन के क्राउन के पास में होती है, ठीक उतनी ही पावर भारत के राष्ट्रपति के पास में होती है, ठीक इतनी ही पावर भारत के राष्ट्रपति के पास में होती है। तो जो ब्रिटेन क्राउन की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटेन क्राउन के पास में जो पावर होती है वही पावर भारत के राष्ट्रपति के पास में होती है। क्लियर बात, यहां तक उम्मीद करता हूं बिल्कुल क्लियर होगा।
चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसके बाद आप डालेंगे आर्टिकल 53 संविधान का, आर्टिकल 53 और संविधान के आर्टिकल 53 में जो बात बोली गई है वो बोली गई है द पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव, द पावर या द पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव, द पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव रेस्ट इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अर्थात कहने का मतलब संघ की कार्यपालिका की शक्तियां, संघ की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, राष्ट्रपति में निहित होती हैं। तो हमारी जो संघ की कार्यपालिका है उसकी जितनी भी शक्तियां वो सब राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति जो है भारत का वह कार्यपालिका का हेड होता है, कार्यपालिका का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। क्लियर? तो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, लेकिन यहां पर एक संवैधानिक तौर पर कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, लेकिन यहां पर आप समझने की दो बातों की अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे। वो क्या करेंगे कि जो पावर वास्तव में ब्रिटिश क्राउन को मिली हुई है, जो पावर ब्रिटिश क्राउन को वास्तव में मिली हुई है, वह पावर विधि के तहत अगर हम बात करते हैं तो बाई लॉ विधि के तहत अगर हम बात करते हैं तो वह पावर भारत के प्रेसिडेंट को मिली हुई है। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, डिज्यूर हेड ऑफ यूनियन इजुकल प्रेसिडेंट। हम यहां पर क्या लिखेंगे, डिज्यूर हेड ऑफ यूनियन जो होता है वो भारत का कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। अर्थात कहने का मतलब डिज्यूर हेड का मतलब यहां पर आप समझ सकते हैं बाई लॉ विधि के तहत, इसका मतलब क्या होगा, बाई लॉ अर्थात कहने का मतलब होगा यहां पर विधि के तहत। तो विधि के तहत जो संघ का अध्यक्ष होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है, और भारत के राष्ट्रपति के पास में जो पावर होती हैं वो सभी पावर भारत के राष्ट्रपति के पास में होती हैं जो ब्रिटिश क्राउन के पास में होती हैं, जो ब्रिटिश क्राउन के पास में होती हैं, और ब्रिटिश जो क्राउन के पास में होती है वो भारत के प्रेसिडेंट के पास में होती है। लेकिन आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि संवैधानिक तौर पर तो ये होता है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम बात करते हैं तो भारत में प्रैक्टिकली जो यूनियन का हेड होता है, जो संघ का अध्यक्ष होता है प्रैक्टिकली वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो यहां पर आप एक बात अच्छे तरीके से नोट करेंगे, वो बात ये नोट करेंगे प्रैक्टिकली, क्या नोट करेंगे, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली हेड ऑफ यूनियन, हेड ऑफ यूनियन तो वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी भारत का प्रधानमंत्री, और प्रैक्टिकली जो हेड होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है, और भारत के प्रधानमंत्री के पास में वो सारी की सारी पावर होती हैं जो यूएसए के राष्ट्रपति के पास में होती है, जो यूएसए के राष्ट्रपति के पास में होती है। तो ये भारत का जो प्रधानमंत्री है वो प्रैक्टिकली का मतलब एक तरीके से आप लिख सकते हो वास्तविक तरीके से, प्रैक्टिकली का मतलब आप क्या कह सकते हो, वास्तविक तरीके से जो भारत का प्रधानमंत्री होता है उसके पास में इतनी पावर होती है जो ब्रिटेन के प्रेसिडेंट के पास में होती है। तो यहां पर आप नोट करेंगे यूएस प्रेसिडेंट, तो यूएस के प्रेसिडेंट के पास में जो पावर होती है प्रैक्टिकली वही पावर भारत के प्रधानमंत्री के पास में होती है। और आप अच्छे तरीके से ये बात जानते हैं कि प्रैक्टिकली जो पावर भारत के अंदर दी गई है भारत के प्रधानमंत्री को यूएस के राष्ट्रपति के बराबर, तो आपने देखा होगा कि जब कभी भी भारत के राष्ट्रपति का दौरा, सॉरी
यूएस के राष्ट्रपति का दौरा भारत में होता है तो उनके साथ में सबसे ज्यादा इंक्लूड होने वाला व्यक्ति कौन होता है प्रैक्टिकली भारत के पीएम? अगर कोई भी वार्ता करनी है, कोई भी वार्ता करनी है या अमेरिका पहुंचना है तो वहां पर कौन जाएगा भारत की ओर से राष्ट्रपति से मिलने के लिए? प्रैक्टिकली भारत का प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको ध्यान रखना है कि अगर हम यहां पर बात करते हैं कि डिज्यूर हेड ऑफ यूनियन यानी बाई लॉ विधि के तहत जो हमारे संघ का अध्यक्ष होता है वो प्रेसिडेंट होता है, जिसके पास में वो सारी पावर होती है जो ब्रिटिश क्राउन के पास में होती है, लेकिन प्रैक्टिकली हेड ऑफ यूनियन जो हमारा वास्तविक रूप से हमारे संघ का, भारत संघ का जो हेड है वो भारत का प्रधानमंत्री, और उस प्रधानमंत्री को वो सारी की सारी पावर है जो यूएस के प्रेसिडेंट के पास में होती है। आई होप क्लियर है यहां तक बात, उम्मीद करता हूं बिल्कुल पॉइंट क्लियर होगा, कोई भी इसमें बात जो है वो आपकी नहीं छिप पाई होगी, तो उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर होगा। और हां एक और बात और ध्यान रखेंगे आप कि अगर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में पूछा गया है, इस बात के लिए मुझे याद आ गया है कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भारत का प्रथम नागरिक किसको माना जाता है, जो सबसे सर्वोच्च होता है वो भारत का प्रेसिडेंट होता है, तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया यहां पर आप ये भी बात ध्यान रखेंगे, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इज इक्वल प्रेसिडेंट, यानी भारत का सबसे प्रथम नागरिक जो माना जाता है वह भारत के राष्ट्रपति को माना जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो भारत का सबसे प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है। क्लियर बात यहां तक? चलिए अगर क्लियर है तो मुझे एक बार कमेंट करके बताइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिसने लाइक नहीं किया लाख लाइक ठोक डालिए, बहुत ही मजा आने वाला है थोड़ी देर बाद, जरा देखना आप क्लास को। तो बताइए, उम्मीद करता हूं यहां तक सब पॉइंट क्लियर होंगे, जो जो लोग लाइव है वो मुझे कमेंट करके बताएं कि सब कुछ क्लियर है या नहीं है। चलिए मोनू गौतम जी, बिल्कुल नेक्स्ट आप डालेंगे आर्टिकल 54 संविधान का, आर्टिकल 54 अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 में जो बात बोली गई है वो बोली गई है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो बात ली गई है वो कहां से ली गई है? तो यूएसए से। यानी कहने का मतलब भारत का एक राष्ट्रपति तो होगा, लेकिन वो होगा कैसे? वो निर्वाचन के तहत होगा। अब राष्ट्रपति तो होगा भारत का, लेकिन वो निर्वाचन के तहत। लेकिन यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन के तहत होगा, यह बात यूएसए से ली गई है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यूएसए का जो राष्ट्रपति होता है वो भी निर्वाचन से ही नियुक्त किया जाता है। ठीक उसी तरीके से जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो भी निर्वाचन से होगा, बिना निर्वाचन के भारत का राष्ट्रपति नहीं बनेगा। लेकिन यह बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम जो आम जनता हैं आम जनता कभी भी भारत के राष्ट्रपति के लिए मतदान नहीं करती है। कभी भी आम जनता, आम नागरिक जो होते हैं वह कभी भी राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं करते हैं या उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो अब यहां से बात निकल करके आती है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो यहां पर आप जरा समझेंगे, राष्ट्रपति होगा निर्वाचन द्वारा होगा, यह यूएसए से एडॉप्ट किया गया है, लेकिन निर्वाचन की विधि क्या होगी? जो निर्वाचन कराया जाएगा वो किस मेथड के तहत कराया जाएगा, वो किस विधि के तहत कराया जाएगा? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इन दो पॉइंटों पर कभी भी एग्जाम में गलती मत कर देना कि भारत का राष्ट्रपति तो होगा वो निर्वाचन से, किसमें बात कहां से लिया गया? यूएसए से। लेकिन उस निर्वाचन कराने की विधि क्या होगी, वो कहां से अडॉप्ट किया गया? आयरलैंड से। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, यहां पर गलतियां कर जाते हैं, और जब कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये भी बात आप ध्यान रखना, उसमें आयरलैंड और यूएसए दोनों ही आपको देगा। बस लेकिन आपको पढ़ना क्या है कि भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होगा वो
कहां से लिया गया है? यूएसए से। भारत का राष्ट्रपति नियुक्त होगा, निर्वाचन से होगा, वो बात यूएसए से ली गई है, लेकिन निर्वाचन की विधि क्या होगी, उसका मेथड क्या होगा, किस तरीके से निर्वाचन होगा, वो बात ली गई है आयरलैंड के संविधान से। क्लियर बात? क्लियर है? उम्मीद करता हूं बिल्कुल क्लियर होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा सा इंक भर लेता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। चलिए, अब यहां से बात आती है कि जब हम आम नागरिक भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन नहीं करते हैं तो वो कौन कौन लोग हैं जो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, अर्थात कहने का मतलब एक निर्वाचक मंडल होता है। जरा प्यारे मित्रों ध्यान से समझेंगे, एक निर्वाचक मंडल होता है। अब वो निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग होते हैं और क्या क्या होते हैं, उन स्थिति को समझ लीजिए जिनमें वो राष्ट्रपति के लिए अपना मतदान करते हैं। क्योंकि ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं, भारत के राष्ट्रपति को जो नियुक्त किया जाता है मतदान के आधार पर, वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और अप्रत्यक्ष रूप से वो कौन कौन से नाम इंक्लूड है, वो इलेक्टोरल कॉलेज, वो निर्वाचक मंडल कौन कौन सा है, इसको आप अच्छे तरीके से नोट करेंगे। इसमें लिखेंगे इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा। सबसे पहले आप लिखेंगे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। और ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं, लोकसभा में जिनको आप निर्वाचित करते हो उनको हम प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, मतदान करते हैं, उसके बाद में हम उनको निर्वाचित करते हैं। और लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति का क्या करते हैं, तो राष्ट्रपति के लिए वो मतदान में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन आप यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, बट नॉट इंक्लूड एंग्लो इंडियन, यहां पर आप ध्यान रखेंगे लेकिन इसमें इंक्लूड नहीं होंगे कौन, दो एंग्लो इंडियन। जरा ध्यान से समझना, एंग्लो इंडियन अर्थात कहने का मतलब आंग्ल भारतीय। और ये बात मैं आंग्ल भारतीय की डेफिनेशन आपको बहुत लंबी चौड़ी बता चुका हूं पिछली क्लासों में, कि दो आंग्ल भारतीय जो हैं वह इंक्लूड नहीं होंगे, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य तो होंगे। और लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन की सीट जो होती है वो रिजर्व होती है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें ये इसमें प्रेसिडेंट के निर्वाचन में ये दो एंग्लो इंडियन क्यों इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि ये जो दो एंग्लो इंडियन होते हैं इनकी जो रिजर्व सीट होती है लोकसभा में, वो रिजर्व सीट जो आरक्षित की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, तो भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इन्हें एंग्लो इंडियन की नियुक्ति लोकसभा में जो करता है वो कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति बनने के बाद एंग्लो इंडियन जो है वो लोकसभा में क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। तो वह कहां से वोटिंग कर देंगे, तो नॉर्मल सी बात है, तो दो एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय किसी भी कीमत पर इसमें नहीं हो सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट नंबर दो पर आप नोट करेंगे, नंबर दो पर आप नोट करेंगे इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, अर्थात कहने का मतलब राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य। और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो इंक्लूड होंगे इसमें, ये बात आप ध्यान अच्छे तरीके से समझेंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा में जो प्रावधान है निर्वाचित सदस्यों का वो है 552 का, क्या अधिकतम संख्या लोकसभा के सदस्यों की 552 हो सकती है। लेकिन आप वर्तमान में ये क्वेश्चन देखिए, मैं बहुत सारे क्वेश्चन मौखिक बोल जाता हूं, लेकिन ये जो मौखिक क्वेश्चन है बहुत छोटे छोटे एग्जामों में ये पूछ लिए जाते हैं कि लोकसभा में कितने लोग जो है वो नियुक्त हो सकते हैं, कितने लोगों का प्रावधान है, तो 552 का है, 552 लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है।
और जब अधिकतम 552 हो सकती है तो ये 1971 की जो सेंसस थी, जो 1971 की जनगणना हुई थी, उसमें भारत की जनसंख्या में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ था। तो 1971 की जन पॉपुलेशन के हिसाब से उसकी जनगणना के आधार पर 552 सीटों की संख्या रखी गई थी और इसको वर्ष 2026 तक फ्रीज कर दिया गया है, अर्थात 2026 तक इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। 2026 के बाद देखा जाएगा कि किस क्षेत्र में कितनी पॉपुलेशन है और क्या है, उसके बाद में जब ये निर्धारित किया जाएगा कि इन सीटों में बढ़ोतरी या कमी क्या की जाएगी। लेकिन अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। अब ये पूछा जाए कि वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, तो आप ध्यान रखेंगे अब प्रेजेंट में 545 है, ठीक है। अधिकतम कितनी हो सकती है, अधिकतम 552 और वर्तमान में कितनी है 542। लेकिन यहां पर मैंने बोला है कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी होती है, 250 होती है, 250 होती है। लेकिन आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि इस राज्यसभा में 12 लोगों की जो नियुक्ति की जाती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो जब भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में वह 12 व्यक्ति कैसे इंक्लूड हो सकते हैं, तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे नॉट इंक्लूड 12 मेंबर्स। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि इसमें किसी भी कीमत पर 12 मेंबर जो है वो इंक्लूड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 12 मेंबर रिजर्व होते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाने के लिए। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आप नंबर 3 नोट करेंगे, नंबर 3 पर आप नोट करेंगे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली अर्थात राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, के निर्वाचित सदस्य, और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, तो राज्यों की विधानसभाओं में जो सदस्यों का निर्वाचन होता है उसके अंतर्गत उसमें भी एक रिजर्व सीट रखी जाती है, और वो जो रिजर्व सीट रखी जाती है वो उस राज्य के गवर्नर के द्वारा नियुक्त करने के लिए रखी जाती है, और उसमें एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति उस राज्य का गवर्नर करता है। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे वन एंग्लो इंडियन नॉट इंक्लूड इन केस, इस स्थिति में एक एंग्लो इंडियन राज्य की जो विधानसभा में जो उस राज्य के गवर्नर के द्वारा नियुक्त किया जाता है वह पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, किसके लिए, किसके लिए, प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए। तो वन नॉट वन एंग्लो इंडियन, तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे केस एंग्लो इंडियन की नियुक्ति, एंग्लो इंडियन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है राष्ट्रपति के चुनाव में, और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा, गवर्नर के द्वारा। आई होप, उम्मीद करता हूं यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा। इसके बाद नेक्स्ट मैं ऊपर से इसको मिटाता हूं क्योंकि नीचे नहीं आएगा, ऊपर से मिटाता हूं इस वाले पॉइंट को। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 4 पर आप ध्यान रखेंगे, नंबर 4 पर आप ध्यान रखेंगे इलेक्टेड मेंबर ऑफ दिल्ली एंड पांडिचेरी, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दिल्ली एंड पांडिचेरी, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के सदस्य भी पार्टिसिपेट करते हैं, और दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के सदस्य जब पार्टिसिपेट करते हैं तो यह बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारी यूनियन टेरिटरीज के अंतर्गत आती है दिल्ली और पांडिचेरी दोनों,
अब आप सोच रहे होंगे कि सर यूनियन टेरिटरीज तो टोटल संख्या वर्तमान में 8 है, अगर अब जम्मू कश्मीर को हम छोड़ दें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा का गठन है, तो यह बात आप अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति जो की जाती है यूनियन टेरिटरीज में संघ शासित क्षेत्रों में, वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और जब भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तो यह बात संसद पर डिपेंड करती है कि किस यूनियन टेरिटरीज में, किस संघ शासित प्रदेश में विधानसभा होगी या नहीं होगी। तो वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में अगर जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो वर्तमान में दिल्ली और पांडिचेरी ही दो संघ शासित क्षेत्र हैं जिनमें केवल विधानसभा है। बाद बाकी अगर औरों की बात करते हैं तो और किसी में विधानसभा नहीं है। इस बात के लिए दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के सदस्य जो है पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, राष्ट्रपति के चुनाव में। क्लियर बात? क्लियर है तो फटाफट से कमेंट करके बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, एक और बात और मैं आपको बता दूं यहां से, ये और ध्यान रखना कि दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के सदस्यों को जो इंक्लूड किया गया था जब इसको विधानसभा क्षेत्र बनाया गया था इन दोनों को, तो नॉर्मल सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो जरूर हुआ होगा। तो ये कौन से संविधान संशोधन के तहत जो है इनके सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन करते हैं, तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो 70वां संविधान संशोधन 1992 में। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। तो 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है वो दिल्ली और पांडिचेरी को भी शामिल कर लिया गया राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। क्लियर बात? चलिए मोनू शर्मा जी, वेरी गुड। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट यहां से ये भी निकल करके आता है, अच्छे तरीके से आप यहां पर ध्यान रखने की कोशिश करेंगे, वो पॉइंट ये निकल करके आता है कि भारत में फर्स्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की अगर हम बात करते हैं तो भारत में प्रथम निर्वाचन जो हुआ था राष्ट्रपति का वो कब हुआ था। तो फर्स्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो भारत में राष्ट्रपति का प्रथम निर्वाचन कब हुआ था, कमेंट करके बताइए। राष्ट्रपति का प्रथम निर्वाचन भारत में कब हुआ था, कौन कमेंट करके बताएगा? है कोई जो ये बताए राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो भारत में सबसे पहला कब हुआ था? नहीं है कोई? नहीं है, नहीं पता। चलिए तो आप ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे सखा, ये बात नॉर्मल सी है, 1952 में हुआ था। और 1952 में हुआ था तो सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो 1952 में सबसे पहला निर्वाचन हुआ था राष्ट्रपति का, ध्यान रखेंगे आप। अगर बात आती है कि इस राष्ट्रपति के निर्वाचन को कंडक्ट कौन कराता है, इस राष्ट्रपति के निर्वाचन को कंडक्ट कौन कराता है, तो ध्यान रखेंगे भाई, इलेक्शन कमीशन, भाई इलेक्शन कमीशन। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, निर्वाचन आयोग इसको कंडक्ट कराता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग जो है वो इसको कंडक्ट कराता है। क्लियर बात भाई यहां तक? अगर यहां तक बात क्लियर है तो मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। तो ये इलेक्ट्रल कॉलेज रहा जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए लोग जो है वो इंक्लूड रहते हैं। तो अब यहां तक अगर सभी का पॉइंट क्लियर है तो मुझे बताइए, जो पॉइंट यहां तक समझ में नहीं आया है उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए, मैं आधा मिनट आपका वेट करता हूं कमेंट का। तो फटाफट से टैप कीजिए और बताइए मुझे कौन सा पॉइंट ऐसा है जो समझ में नहीं आया, जल्दी से बताइए। अगर सब कुछ क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिए, अगर क्लियर नहीं है, जो डाउट है उसके लिए कमेंट कर दीजिए। कोई नहीं, चलिए ओके, वेरी गुड, यही होना चाहिए, कोई होना ही नहीं चाहिए। तो इसके बाद आप डालेंगे संविधान का आर्टिकल 55, आर्टिकल 55,
और संविधान के आर्टिकल 55 में जो बात इंक्लूड की गई है वो की गई है इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। अब कौन फटाफट से कमेंट करके बताएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि को किस देश के संविधान से अडॉप्ट किया गया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि के तहत होगा, उसको किस देश के संविधान से अडॉप्ट किया गया है, फटाफट से बताइए। हद हो गई यार तुम लोगों के लिए, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है। कहां सो रहे हो? आयरलैंड। थोड़ी देर पहले ही तो बताया था भाई। देखो मोनू शर्मा जी, इतना बताने के बावजूद तुमने यूएसए लिख के भेज दिया। मैंने यूएसए से ये बात ली गई है, मैंने बार बार बताया और उसके बावजूद आप गलती कर रहे हो मोनू शर्मा। बड़े शर्म की बात है, कितना मैंने लंबा भाषण इस पर दिया है कि यूएसए से ये बात ली गई है कि भारत का राष्ट्रपति तो होगा लेकिन राष्ट्रपति वो निर्वाचन के तहत होगा, लेकिन निर्वाचन होगा किस विधि के अनुसार, कैसे कैसे निर्वाचन होगा, ये बात जो ली गई है वो कहां से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। बड़े शर्म की बात है। क्या पढ़ाऊं, ब्रेक करूं क्लास को, फिर क्या करूं? जब फ्रेश हो जाओ उसके बाद जो है फिर मुझे बता देना। माइंड जो मुझको लगता है तुम लोगों का हैंग है, तो फिर क्लास को यहीं ब्रेक करता हूं मैं, फिर कोई नहीं, ठीक है? तो थोड़ा सा जब आपको लगे कि हाँ भाई हम फ्रेश हैं, जैसा अनुच्छेद को पूरा कराए देता हूं, कोई नहीं। तो आर्टिकल 55 में ये बात बोली गई है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि ये जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि है वो कैसी विधि है, किस तरीके से, उसके बारे में बता दे रहा हूं। ये होती है सिंगल ट्रांसफरेबल, ये जो विधि होती है वो होती है सिंगल ट्रांसफरेबल, सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोट सिस्टम, इनडायरेक्ट वोट सिस्टम, यानी जैसे बोलते हैं एकल एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोट सिस्टम अर्थात एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। और सदैव ध्यान रखेंगे, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो पार्लियामेंट में से अगर हम बात करते हैं उसके अंतर्गत 50 सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए उसके पत्र पर, और उसके 50 सपोर्टर होने चाहिए अर्थात अनुमोदक होने चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की जो क्रिया विधि है उसके लिए आप ध्यान रखेंगे 50 सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए और 50 सपोर्टर होने चाहिए अर्थात अनुमोदक होने चाहिए। उससे पहले अगर ऐसा नहीं है तो उसका निर्वाचन आयोग के तहत उस उम्मीदवार का जो फॉर्म होगा वो निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है? क्लियर यहां तक बात? अब आप सोच रहे होंगे कि ये विधि होती है ऐसी है, लेकिन अभी आपको ये नहीं पता है कि इस विधि का मतलब क्या है, केवल अभी तक आपने सुना है। अगर आप चाहें तो मैं आपको बता दूं कि कैसे कैसे निर्वाचन होता है। अगर आप ये कहें कि सर कोई जरूरत नहीं है इतना ही काफी है, तो इतना ही आगे बढ़ा दूं। अगर आपको ये इच्छा है जो आज तक आपने नहीं सुनी हो उनको अगर आप पूरा कराना चाहते हैं तो मैं बता दूं, बाद बाकी आर्टिकल तो मैंने दिखाई दिया है, अगर आपको ऐसी पढ़ाई पसंद है तो।
बताओ सुन लो, जिस तरीके से आप किसी भी एग्जाम को देने के लिए जाते हैं, सबसे पहली बात ध्यान से समझना, मैं ये कह रहा हूं ये ए व्यक्ति, ये बी व्यक्ति, ये सी व्यक्ति, ये डी व्यक्ति, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इन चार लोगों ने राष्ट्रपति के लिए आवेदन किया। अब राष्ट्रपति के लिए आवेदन किया तो जितना भी हमारा निर्वाचक मंडल था उसमें सब पार्टिसिपेट करेंगे इसके निर्वाचन में। लेकिन होता क्या है, जनरली जो आम चुनाव होते हैं लोकसभा के और राज्यसभा, लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, ठीक है, इन जब हम चुनावों में पार्टिसिपेट करते हैं तो अगर चार मेंबर हैं इसमें जिनको कि वोट डालना है, मान लीजिए मैं हूं, अगर मैंने इसको वोट डाल दिया तो मैं इनको किसी को नहीं डाल सकता हूं, अगर मैंने इसको वोट डाल दिया तो फिर इनको किसी को नहीं डाल सकता हूं, अगर मैंने इसको वोट डाल दिया तो मैं इनको किसी को नहीं डाल सकता हूं, अगर मैंने इसको वोट डाल दिया तो मैं इनको किसी को नहीं डाल सकता हूं। आम चुनावों में यही होता है ना, तो आपका जवाब होगा सर बिल्कुल यही होता है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, जितने भी मैंने निर्वाचक मंडल के तहत आपको नाम कराए, अगर इनमें से ए बी सी डी ने, ये चार सदस्यों ने आवेदन किया है राष्ट्रपति के लिए, तो आप यहां पर ध्यान रखेंगे जिस तरीके से आप एग्जाम में बैठते हैं और सीट या सीटिंग प्लान आपका होता है, तो आपके पास में पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, जैसे पहली नंबर की सीट पर ये ऑप्शन, या सॉरी पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया गया, तो आप दूसरी सीट पर झांक करके देखेंगे ना, तो जो तीसरे वाला होगा वो जैसे वो यहां पर हो गया और यहां पर चौथे वाला आ गया, यहां पर दूसरे वाला आ गया, यहां पर पहले वाला आ गया, यहां पर चौथा आ गया, यहां पर तीसरा आ गया, अगली सीट पर यहां पर एक आ गया, यहां पर दो आ गया, यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां एक आ गया, यहां तीन आ गया, यहां चार आ गया, यहां पर दो आ गया, इस तरीके से होता है। तो ये जब कंडीशन होती है तो यहां पर जब वोटिंग करने के लिए जाते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, तो प्रत्येक व्यक्ति को, जितने भी मैंने नाम लिखाए थे निर्वाचक मंडल के तहत, प्रत्येक व्यक्ति को सारे के सारे जो उम्मीदवार है ना, इन सभी को वोट देना होता है। यानी वो वोटिंग इसको भी करेगा, अब इसको करेगा और इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा। क्लियर बात यहां तक? तो यहां पर सबके लिए एक व्यक्ति वोटिंग करेगा। अब एक व्यक्ति जब सबके लिए वोटिंग कर रहा है तो इसका मतलब आपके दिमाग में एक बात घूम रही होगी कि एक व्यक्ति जब सबके लिए वोटिंग कर रहा है तो जितने भी सदस्य लिखाए थे वो भी सब सबके लिए वोटिंग करेंगे, तो इसका मतलब होगा कि सबके लिए जो वोट होंगे सभी के सभी उम्मीदवारों के लिए समान हो जाएंगे और कोई भी भारत का राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा। तो उस बात को समझ लीजिए, उसका मतलब क्या है, उसको हम समझाने की आपको कोशिश करते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में संख्या 245 मैंने बताई और 252 अधिकतम हो सकती है। लेकिन आपको मैं एक और बात बता दूं, वो बात ये है मेरे प्यारे मित्रों कि जब कभी भी राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो राष्ट्रपति का निर्वाचन के वोटों की संख्या जो होती है ना वो लाखों में पहुंच जाती है। और जबकि ये सदस्य कितने बैठेंगे, सदस्य जितने भी लिखाए थे निर्वाचक मंडल के तहत उनकी संख्या होगी हजारों में, लेकिन जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो वोटिंग की संख्या पहुंच जाती है लाखों में। अब वो लाखों में कैसे पहुंच जाती है, इसको हम थोड़ा सा इस पर हम डिस्कस करेंगे, तो यहां पर आप समझने की कोशिश करना। तो आप यहां पर ये समझना कि वोट वैल्यू क्या होती है, वोट वैल्यू ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स। तो आप यहां पर सबसे पहले ये बात नोट करेंगे कि वोट वैल्यू ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स, ठीक है, यानी वोट वैल्यू क्या होती है पार्लियामेंट मेंबर्स की। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि एक तरीके से पार्लियामेंट मेंबर के मत का मूल्य, मैं यहां पर शॉर्ट में लिखे दे रहा हूं, मत का जो मूल्य होता है वो किस तरीके से निकाला जाता है, तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वोट वैल्यू ऑफ एमएलएज की बात करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं वोट वैल्यू ऑफ एमएलएज, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको हम बोलते हैं हिंदी में विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्य की वोट वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, यानी विधायकों के मत का मूल्य, या एक विधायक के मत का मूल्य निकालना है आपको। अगर आपको एक विधायक के मत का मूल्य निकालना है, विधायक के मत का मूल्य निकालना है, ठीक है, तो एक विधायक के जब हम मत का मूल्य निकालने के लिए जाएंगे तो आप ध्यान रखेंगे यहां पर ऊपर लिखेंगे टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट,
टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, अपॉन में उसमें डिवाइड कर देंगे आप टोटल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, टोटल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, इनटू 1/1000, यानी एक विधायक के मत का मूल्य जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, यानी राज्य की जितनी भी जनसंख्या है वो ऊपर, और टोटल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जो विधानसभा में जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या से भाग करके इनटू 1/1000 कर दिया जाता है। ध्यान से समझना आप यहां पर। अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जो विधानसभा होती है, उस विधानसभा में जो व्यक्ति अपना चुनाव लड़ते हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र के हिसाब से बिल्कुल उसमें सीटों की संख्या जो है वो निर्धारित की जाती है कि उसकी पॉपुलेशन क्या है। अब पॉपुलेशन क्या है, मान लीजिए एक मोहन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक सोहन है, ठीक है, एक सोहन है ना, एक राम है, एक श्याम है, ठीक है, ये चार उम्मीदवार हैं जो लोकसभा का जो है विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये सारी की सारी पॉपुलेशन जो है इनके अंतर्गत मतदान करेगी। अब मान लीजिए कि इसको 1,00,000 वोट मिले, ठीक है, इसको मिले 50,000 वोट, इसको मिले 70,000 वोट, इसको मिले 30,000 वोट, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो विजेता तो भैया ये घोषित हो गया, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, तो यह पूरे के पूरे 1,00,000 वोटों को लेकर अपने साथ है। जब 1,00,000 वोटों को लेकर अपने के साथ है तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, जैसे मान लीजिए कि 20 करोड़ अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, तो इसमें हम इसके 1,00,000 वोटों से भाग करेंगे, 1,00,000 वोटों से भाग करने के बाद इंटू 1/1000 कर देंगे, तो ये वैल्यू जो आएगी वो एक विधायक के मत का मूल्य आएगा जो कि हजारों में और लाखों में पहुंच जाता है। और जब हजारों और लाखों में पहुंच जाता है, ऐसे ही अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से अगर हम बात करते हैं प्रत्येक के लिए ठीक उसी तरीके से क्रिया विधि होती है। तो इस वजह से वोट वैल्यू जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए केवल उनकी जो संख्या होती है वो हजारों में नहीं होती है बल्कि लाखों में पहुंच जाती है। आई होप, उम्मीद करता हूं यहां तक आपकी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मुझे यहां पर कमेंट करके आप बताइए, क्लियर बात। चलिए इसके बाद नेक्स्ट, वोट वैल्यू ऑफ एमपीज। तो यहां पर आप दूसरा पॉइंट नोट करेंगे, वोट वैल्यू ऑफ एमपीज, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक सांसद के मत का मूल्य, एक सांसद के मत का मूल्य अगर आपको निकालना है तो आप यहां पर यह भी बात ध्यान रखेंगे कि टोटल वैल्यू ऑफ मेंबर्स, मैं लिखे दे रहा हूं यहां पर, टोटल वैल्यू ऑफ मेंबर्स, टोटल वैल्यू ऑफ मेंबर्स ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव असेंबली, समझ जाना भैया, लेजिस्लेटिव असेंबली डिवाइड बाई टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, टोटल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ मेंबर्स ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव असेंबली। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि कुल मिलाकर के विधानसभा के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी सबकी वोट वैल्यू में भाग कर दिया जाए, पार्लियामेंट के जितने भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं उनकी संख्या का। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा, चाहे वो निम्न सदन हो, चाहे वो उच्च सदन हो, उन सबका भाग कर दिया जाए तो ये एक सांसद के मत का मूल्य निकल करके बाहर आ जाता है, और इस तरीके से मतदान इन लोगों का कराया जाता है। और जब भारत के राष्ट्रपति का मतदान इस तरीके से कराया जाता है
तो ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि विजयी जो घोषित किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है, तो आप यहां पर अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे कि उसके लिए जो है एक न्यूनतम कोटा होता है। क्या होता है? एक न्यूनतम कोटा होता है। और वो न्यूनतम कोटा क्या होता है उसके बारे में समझ लीजिए। तो मिनिमम कोटा होता है इनके लिए कि जो कोई भी वास्तव में विजेता घोषित होगा वो किस तरीके से होगा, तो मिनिमम कोटा होता है अर्थात एक न्यूनतम कोटा होता है इसके लिए। और न्यूनतम कोटा जो होता है वो क्या होता है, दिए गए कुल मतों का मूल्य और अपॉन में टू और प्लस के कर दिया जाता है वन। जो न्यूनतम कोटा होता है राष्ट्रपति बनने के लिए वो क्या होता है, दिए गए कुल मतों के मूल्य में दो का भाग करके उसमें एक ऐड कर दिया जाता है, तो उसके बाद में वही व्यक्ति जो इस मुकाम तक पहुंच जाता है वही राष्ट्रपति होता है। तो अब बताइए, आई होप, उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों यहां तक आपकी समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा पानी पीता हूं, अगर समझ में आया तो फटाफट से कमेंट कीजिए। चलिए क्लियर है, चलिए क्लियर होना चाहिए, बस यही उम्मीद करता हूं कि क्लियर रहे, आपकी कोई भी प्रॉब्लम जो है वो सामने ना आए। तो मेरे हिसाब से आज की क्लास को यहीं ब्रेक करते हैं, क्योंकि लगभग 1.5 घंटे की क्लास हो चुकी है। अगर आपकी इच्छा है तो आगे पढ़ाता हूं, बाद बाकी अगर आपकी इच्छा नहीं है तो मैं क्लास को यहीं पर ब्रेक करता हूं। फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए आगे क्लास और पढ़ाऊं या इतना ही काफी है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात चली थी आज की क्लास में। बाद बाकी फटाफट से बताइए। यस सर, क्या लिख करके भेज रहे हो जल्दी से बताइए, आगे पढ़ाऊं या बंद करूं यहीं पर, क्योंकि सबसे लंबा पार्ट है ये, पार्ट 5। प्लीज कल तो कुछ आर्टिकल कर लीजिए, उसके बाद में मैं करा दूंगा, ठीक है। आर्टिकल 56 और डाल लीजिए, छोटे छोटे आर्टिकल हैं, ज्यादा समझना नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 56 में जो मेंशन किया गया वो किया गया टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट अर्थात कहने का मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में मेंशन किया गया है। और आपको पता है कि राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, अभी अभी बताया है, यूएसए से लिया गया है। और यूएसए में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो होता है 4 वर्ष के लिए, लेकिन जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसका जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 साल तक के लिए। और 5 साल तक के लिए जो कार्यकाल होता है वो तब से होता है जब से उसको शपथ ग्रहण कराई जाती है, तब से उसका कार्यकाल स्टार्ट होता है। और राष्ट्रपति को जो शपथ ग्रहण कराने का जो काम होता है वो किसका होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश का, अर्थात सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का ये काम होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है और स्टार्ट कब से होता है, जब से उसको शपथ दिलाई जाती है। शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है, लेकिन यूएसए से इस पद को लिया गया है, वहां पर 4 वर्ष का होता है। और यह भी बात आप ध्यान रखेंगे अच्छे तरीके से प्यारे मित्रों कि यहां पर एक और बात मैं आपको और बता दूं, चलिए उसको नोट कर लीजिए कि 5 साल तक का जो समय काल होता है, अगर सपोज करिए कि 5 साल पूरे हो गए भारत के राष्ट्रपति के, लेकिन जब तक उसका निर्वाचन नहीं हुआ अगले राष्ट्रपति के लिए, तो ये राष्ट्रपति पुराने वाला तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि वो सेलेक्ट होकर के बंदा नहीं आ जाएगा, तो जब तक वह उस पद पर बना रहेगा। क्लियर बात, ध्यान रखना यह बात अच्छे तरीके से। महाभियोग, अभी महाभियोग कल चल पाएगा, महाभियोग की बात कर रहे हो तो थोड़ी देर और इंतजार करो, महाभियोग भी करा देता हूं, ठीक है। इसके बाद में आप डालेंगे आर्टिकल 57।
आर्टिकल 57 में जो बात मेंशन की गई है वो की गई है प्रोविजन ऑफ री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रोविजन ऑफ री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन का प्रावधान, राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन का प्रावधान, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि भारत का राष्ट्रपति तो होगा लेकिन उसके लिए हर 5 वर्ष के बाद में क्या होगा, निर्वाचन होगा, वो बिना निर्वाचन के प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। लेकिन ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि यूएसए में एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति केवल और केवल 2 बार बन सकता है, लेकिन भारतीय संविधान के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है तो वो अनंत बार जब तक जीवित है जब तक वो राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन वो राष्ट्रपति बनेगा तो वो निर्वाचन से ही बनेगा, बिना निर्वाचन के नहीं बनेगा। लेकिन यूएसए से लिया गया, यूएसए में राष्ट्रपति केवल 2 बार हो सकता है अधिकतम, लेकिन भारत के संविधान में ये प्रावधान नहीं है। भारत का राष्ट्रपति एक ही व्यक्ति अनेकों बार बन सकता है लेकिन वो निर्वाचन से बनेगा, ये बात कही गई है आर्टिकल 57 में। क्लियर बात, जब तक नया नहीं आए। लेकिन प्यारे सखा मेरे मित्र मोनू शर्मा, ये भी मैं बात आपको बता दूं, आर्टिकल में आगे हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति के जो रिक्त पद है ना, उस रिक्त पद को जो है वो 6 महीने के अंदर भरना अनिवार्य होता है, ठीक है। और यहां से पूछा जाए, एक और क्वेश्चन यहां से बन जाता है, अब मुझे याद आ गया कि आज तक के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि भारत के अंदर कोई भी एक ही व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति का नाम बता दीजिए जो अधिकतम बार राष्ट्रपति रहा हो, फटाफट से कमेंट करके बताइए, ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो अधिकतम बार राष्ट्रपति रहा हो। भारत का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा राष्ट्रपति के पद पर रहा है, फटाफट से बताइए। क्या भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है कभी कि एक व्यक्ति एक बार से ज्यादा भी राष्ट्रपति रहा हो? फटाफट से बताइए। अरे नहीं पता तो नो लिखिए, अगर पता है तो यस लिखिए। अगर नहीं पता है तो नो लिखिए, अगर पता है तो यस लिखिए, और उसका नाम बताइए बंदे का। कोई कमेंट नहीं किसी का, कोई कमेंट नहीं। कमेंट नहीं करोगे पढ़ाना भी बंद कर दूंगा। नो चलिए तो मैं बता देता हूं, पहला निर्वाचन कब हुआ था राष्ट्रपति का, 1952 में हुआ था, और 1952 में सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और फिर अगले निर्वाचन में पुनः बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अर्थात कहने का मतलब भारत में ऐसा हुआ है कि भारत का एक ही व्यक्ति लगातार 2 बार भारत का राष्ट्रपति बना, 1952 से लेकर के 1962 तक, वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद जो रहे थे वो रहे थे 1952 से लेकर के 1962, अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, 10 ईयर्स, यानी वो 10 साल तक रहे थे केवल एक ही व्यक्ति, बाद बाकी कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ है जो भारत का राष्ट्रपति 2 बार रहा हो, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप ये बात, नोट रखेंगे। लेकिन यहां से आगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब लिख करके भेज रहे हो ना, इतनी देर से तो भेजा नहीं गया। लेकिन यहां पर आप ध्यान रखेंगे, एलिजिबिलिटीज ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति पद के लिए या राष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यताएं हैं वो क्या हैं, तो यहां पर आप लिखेंगे एलिजिबिलिटीज ऑफ द प्रेसिडेंट, अर्थात कहने का मतलब राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, राष्ट्रपति की योग्यताएं कौन व्यक्ति है उसके लिए जो राष्ट्रपति बनने के योग्य है, जो राष्ट्रपति के लिए आवेदन कर सकता है। यह तो छोटी छोटी क्लासों में बता दिया जाता है कि सिटीजन ऑफ इंडिया, कि वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का क्या हो, नागरिक हो,
ये तो लिखना ही बेकार है, क्योंकि ये तो सब बात बता दी जाती है छोटी छोटी क्लासों में, ये बात पता होती है तुम सब लोगों के, भारत का नागरिक हो ठीक है, उसकी एज जो है वो मिनिमम जो है ना वो 35 ईयर्स होनी चाहिए, उम्र कम से कम 35 वर्ष हो ठीक है। नेक्स्ट, वह लिटरेट हो, वो लिटरेट हो अर्थात कहने का मतलब वो साक्षर हो ठीक है, और साक्षर का मतलब होता है कि वो अपना नाम लिख सके, वो अपना नाम पढ़ सके और उसे अर्थमेटिक मैथ का भी ज्ञान हो ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखेंगे नॉट अटेन ए पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, नॉट अटेन ए पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, यानी कहने का मतलब लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो, और लाभ के पद पर न हो का मतलब है यहां पर कि वह किसी भी सरकारी खाते से, या वो कोई सरकारी कर्मचारी न हो, वह सरकार के खजाने से पैसा प्राप्त न कर रहा हो सरकारी पद पर रहने के बाद ठीक है। इसके बाद मैं थोड़ा सा इंक डाल लूं, क्लास में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताओ। चलिए नेक्स्ट, और क्या योग्यता होनी चाहिए, वो होनी चाहिए एलिजिबल टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा, यहां लिखे दे रहा हूं नंबर 5, एलिजिबल टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी कहने का मतलब वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोक सभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यानी कहने का मतलब सैलरी पे भी आगे बात करेंगे, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य न हो केवल योग्यता रखता हो, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे ठीक है। यहां तक क्लियर है, तो अब मैं आज की क्लास को प्यारे मित्रों यहीं पर ब्रेक करता हूं, बाद बाकी तुम लोग बोर हो चुके होंगे क्योंकि काफी समय हो चुका है क्लास को चलते हुए। फिर मिलते हैं, क्लास कैसी लगी, मस्त मजा आया या नहीं आया, आपको कुछ एहसास हुआ कि हाँ इस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं हुआ, या वही पसंद है कि सीधा आर्टिकल लिखा दो, बताओ फटाफट से। आपको ऐसा महसूस हुआ कि वास्तविक संविधान यहीं से स्टार्ट होता है या नहीं हुआ? मोनू शर्मा, और वीडियो को शेयर वेयर किया करें अच्छे से ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, ओके बाय बाय, टेक केयर।